हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को बॉदर करता है वो मतलब बच्चे को सुलाना कैसे है। आज हम लोग आपको वो सारे तरीके बताएंगे, वो सारे आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे जो आपका लाइफ बहुत ज्यादा इजी कर सकता है। मैं अभी मेरे एक स्टूडेंट के घर पे हूँ जहाँ पे उनका बच्चा ये एक बहुत अच्छे चीज में सोया हुआ है। दिस इज बेबी बेड जो इनके बेडरूम में बहुत इजीली फिट हो गया। हम लोग इसके बारे में भी बताएंगे और ये बच्चा इसमें एकदम पीसफुली सोया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप बच्चे को आपके साथ बेड पे लेके सोना कंफर्टेबल है या पीसफुल है? पर्सनली स्पीकिंग ये आपका खुद का चॉइस है, बट आई हैव ऑलवेज प्रिफर्ड एन एक्सटेंडेड सेपरेट स्पेस मेरे बच्चे के लिए। तो मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे तभी झोली जो होती है तभी झोली में सोते थे, झोली पालना आप लोग कुछ भी ले सकते हो, उसमें सोते थे। फिर मेरे बच्चे जैसे थोड़े से बड़े हो गए देन देर वॉज अ सेपरेट बेड, जैसे आप लोग को अभी मैंने द्विजा का बेड दिखाया। डोंट वरी, हम लोग द्विजा का बेड बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। किसी को झूला चाहिए, पालना चाहिए, रॉकिंग चाहिए, डाइपर चेंजिंग के लिए छोटा ट्रे चाहिए, वो सब कुछ उसके बेड में है, तो वो फैसिलिटी 100% हम लोग शेयर करेंगे। बट अभी के लिए कुछ बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर आप बच्चे को बेड के ऊपर सुलाने वाले हो तो प्रिफरेबली बच्चा सेंटर में होना चाहिए अगर कोई बड़ा आसपास नहीं है तो। क्या बच्चे को कंपलसरी पूरी तरह से रैप करके सुलाना सजेस्टेड है? द आंसर इज नो, इट्स नॉट कंपलसरी। अगर आपका बच्चा रैप करके सोता है प्लीज सुलाओ, अगर आपका बच्चा रैप करके नहीं सोता है तो रैप मत करो। बच्चे को बांधेंगे नहीं तो हाथ पाँव टेढ़े हो जाएंगे, बच्चा ज़्यादा देर नहीं सोएगा, दैट्स नॉट द केस। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहाने के बाद बांधने से सो जाते हैं, बट बाकी पूरा टाइम उनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दैट वन थिंग दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर आप लोग कमरे में नहीं हो तो बच्चे के आसपास प्रिफरेबली आप लोगों को पिलो का पाइलअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग को पता नहीं है बच्चा टर्न कभी होगा, रोल ओवर कभी होगा। यूजुअली बच्चे 2.5 महीने के बाद, मतलब 2.5 मंथ्स के बाद कभी भी साइड में टर्न करना, रोल ओवर होना, रोल रोल होके कहीं और चले जाना, गोल 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 घूमना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। बट हम लोग को पता नहीं है बच्चा कभी कौन सा ग्रोथ स्पर्ट अचीव करेगा, इसीलिए आप लोग को ध्यान में रखना है कि आपके हिसाब से प्रिपरेशन होना चाहिए। दूसरा चीज़, जिस किसी कमरे में बच्चा सोया हुआ है प्रिफरेबली उस कमरे का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, ताकि अगर बच्चा अंदर रोता है, बच्चा जग जाता है तो आप लोगों को उसका पता चलना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारे तो किचन में सीटी बजेगी, हम लोग बाहर बात करेंगे तो बच्चा उठ जाएगा। अभी के लिए मैं बात कर रही हूँ, द्विजा यहाँ पे पास में सोई हुई है, बच्चा उठ रहा है? नहीं उठ रहा है। मतलब इस बच्चे को वैसी आदत डाली हुई है। दिन में इसी कमरे में बच्ची सोई हुई है, बहुत ब्राइटनेस है, खिड़की के पर्दे खुले हुए हैं, मैं जब भी शूटिंग के लिए आई तभी भी पर्दे खुले हुए थे और बच्ची आराम से सोई हुई थी। सो आप एज अ पेरेंट याद रखना है डे एनवायरनमेंट और नाइट एनवायरनमेंट में फ़र्क होता है। मैं इन दोनों कपल को बोलूँ कि आप रात में भी ऐसे करते हो कि कुकर की सीटी बज रही है, खिड़की खुली है, बाहर से ब्राइट लाइट आ रही है, ऐसा कभी नहीं होता। सो रात में हम सभी लोग खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, डिम लाइट चालू करते हैं, अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो जेंटल म्यूजिक बजता है। तो द्विजा को बहुत क्लियरली पता है दिन क्या होता है, रात क्या होती है, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट टू अस। नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, बच्चे के आसपास बहुत क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लटर मतलब क्या? बहुत सारे खिलौने, बहुत सारा सामान बच्चे के आसपास प्रिफरेबली नहीं रखना है। बच्चा इंडिपेंडेंटली सोए वो आपके लिए हमेशा बेटर है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिल में आता है, मेरा बच्चे को तो ना निप्पल मुंह में रख के सोने की आदत है, तो क्या मैं बच्चे को पैसिफायर मुंह में रख के सुला सकती हूँ? द आंसर इज अगेन नो। पैसिफायर बच्चे को वो सिक्योरिटी देता है कि मैं कॉन्स्टेंटली मम्मा के निप्पल पे हूँ, विच इज साइकोलॉजिकली नॉट गुड। साइकोलॉजी कहता है पैसिफायर आपके बच्चे का नेचुरल इमोशंस का एक्सप्रेशन निकाल के ले लेता है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आप में से किसी को जेन्युइनली लगता है कि मेरे बच्चे को निप्पल मुंह में नहीं हो तो मेरा बच्चा सोता ही नहीं है, तो फिर आप लोग पैसिफायर दे सकते हो, बट 5 से 7 मिनट के बाद आपको पैसिफायर निकाल के लेना है। इतना कॉन्फिडेंस अगर आपको खुद के ऊपर है तो ही पैसिफायर इंट्रोड्यूस करना, नहीं तो मत करना।
दिस वन मोर थिंग दैट यू गेट इन द मार्केट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि बच्चा बेड से गिरे नहीं, इसके लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज बेड बैरियर. तो बेड बैरियर बेसिकली ऐसा जाली होता है जो जिसका एक हिस्सा आप लोग गद्दी के नीचे डाल सकते हो और दूसरा हिस्सा यहाँ पे बच्चे के लिए दीवार बना देता है. तो बेड बैरियर प्रिफरेबली वुडन वाले मत लेना, ऐसे लेना जो बहुत इजीली फोल्ड हो सकता है. एक चीज बहुत प्रैक्टिकली याद रखना आप सब लोग, हम सब लोग के घर, फ्लैट, कमरे, आप जहाँ कहीं पे भी रहते हो, हमारे पास इतना जगह नहीं कि आप बड़ी बड़ी चीजें लाओगे. अगर वो फोल्ड करके रखने को नहीं हुआ तो संभालोगे कैसे. बेटर कि हम लोग बेड बैरियर भी ऐसे खरीदे. तो यहाँ पे अगर बेड बैरियर है तो ये पिलो का काम निकल जाएगा, बच्चा यहाँ पे सो जाएगा एंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो स्लीप पीसफुली. और या तो फिर आप लोग पिलो यहाँ पे लगा सकते हो और बच्चा बहुत इजीली और कंफर्टेबली सो सकता है. सो ये सेकेंड आइडिया जो आप लोग यूज कर सकते हो. ओके, ये हो गया डे टाइम स्लीप को लेके कि पिलो रख दिए, बैरियर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. अब जानते हैं कि क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को प्रिफरेबली सेपरेट इंडिपेंडेंट स्पेस होना चाहिए सोने के लिए. बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को गलत ले लेते हैं कि बच्चे को इंडिपेंडेंटली सुलाना है, मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरह क्या कि बच्चा दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया, तो नहीं है. बच्चे को सेपरेट आप लोग कब से सुला सकते हो इंडिपेंडेंट कमरे में, उसके बारे में मैं वीडियो यहाँ पे लिंक कर रही हूँ. बट अभी के लिए समझ लो, आपके ही स्पेस में बच्चा इतना पास में होना चाहिए कि मम्मा को रात में उठ के बच्चे को लेके फीड कराना बहुत आसान हो जाना चाहिए. दूसरा चीज, इलॉन्गेटेड स्लीप जो होता है बच्चे का, सो जैसे से द्विजा रात को 10 बजे सो गई तो 10 से लेके 1 बजे तक जो उसका लंबा नींद है वो सेपरेट बेड में हो सकता है. 1 बजे के बाद जब ब्रेस्ट फीड के लिए बच्चा उठेगा तभी बच्चा अल्टीमेटली वापस पेरेंट्स के साथ बेड पे आ जाएगा. बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर में हम लोगों ने सुना हुआ है कि दोनों पेरेंट्स के बीच में बच्चा कभी भी नहीं सोना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स का हाथ पड़ सकता है, वजन पड़ सकता है, अगर कोई रोल ओवर हुआ तो बच्चे पर जा सकता है. जेन्युइनली स्पीकिंग मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो कोई कपल पेरेंट्स बने हैं वो बहुत कॉन्शियस होता है और ये गलतियां कभी नहीं होती, कितना भी डीप सोने वाला इंसान हो. बट देर इज अ लव साइड टू द होल थिंग. प्रिफरेबली बच्चे को हमेशा दोनों के बीच में सोने की आदत मत रखो. समवेयर देर इज अ नेचुरल लव ऑफ एक्सप्रेशन, नेचुरल फ्लो दैट अ कपल हैज टू फॉलो. सो प्रिफरेबली बच्चा दोनों के बीच में होना नहीं चाहिए. दूसरी चीज, बच्चा अगर कॉन्स्टेंटली मम्मा के पास में ही सोता है चिपक के, तो वैसे बच्चों को निपल मुंह में रख के सोने की आदत ज्यादा लगती है, बिकॉज बच्चे को पता है मम्मा उधर ही पिला रही है, मैं उधर ही हूँ, तो वो कॉन्स्टेंटली आदत पड़ जाती है. इंडिपेंडेंट बेड में सुलाने का और एक बहुत अच्छा आदत है. जेन्युइनली स्पीकिंग अगर ये बच्चे को बेड में सोने का आदत है तो बच्चे ने अगर रात में आंखें भी खोल दी तो वो राइट देखेगा, लेफ्ट देखेगा, हाँ ठीक है ये मेरी ही जगह है सोने की, और बच्चा खुद होके भी बहुत बार सो जाता है. 99% द्विजा के पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा अगर कभी वो ऐसे ही उठी, उसने इधर उधर देखा और वो वापस सो गई, बिकॉज उसको पता है कि ये जगह मेरी है और मुझे पता है. सो ये बच्चों को बहुत अच्छे से सिक्योरिटी देता है एंड इट्स ऑलवेज बेटर फॉर अस एज अ पेरेंट. एक क्वेश्चन आप सबके दिल में होगा कि श्रेया हम लोग कितना भी कोशिश करें, मेरा बच्चा तो ना पेट पे ही सोता है, तो क्या बच्चे को पेट पे सोने देना है? ऑल ऑफ यू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा पूरी रात या डीप स्लीप में पेट के ऊपर सोया हुआ नहीं होना चाहिए. उसमें पॉसिबिलिटी होता है सफोकेशन का. इसीलिए अगर आपका बच्चा, सी मैंने मेरे डॉक्टर को एक बार पूछा था क्या सबसे बेस्ट पोजीशन है बच्चे को सुलाने के लिए, उन्होंने क्या बोला पता है? वही जिसमें आपका बच्चा सोता है वो सबसे बेस्ट पोजीशन है बच्चे को सुलाने के लिए. तो अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा पेट पर ही जाके सोता है तो सोने दो उसको, उसको थोड़ा डीप स्लीप में जाने दो. फिर आप लोग धीरे से बच्चे का हाथ निकाल के बच्चे को या तो पूरा सीधा करके सुला सकते हो, सो दैट यू आर सॉर्टेड. बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर मैंने बच्चे को सीधा किया ना तो उठ जाएगा. तो आपका बच्चा से पेट के ऊपर सोया हुआ है तो आप बच्चे को थोड़ा सा हटा के फिर उसके पीछे कोई चीज़ लगा के बच्चे को एक साइड में सुला सकते हो. सो ये आप लोग फॉर श्योर कर सकते हो. तो पेट में मत सुला, प्रिफरेबली सीधा, नहीं पॉसिबल हो तो एक साइड में, और ये सबसे अच्छा पोजिशन है. ज़्यादा बॉदर मत करना, बच्चे अपना खुद का कंफर्टेबल पोजीशन ले ही लेते हैं. हम लोग बड़े कितने कितने डेंजर डेंजर और वियर्ड पोजीशंस में सोते हैं वो हम लोगों को ही पता है,
ये हमारे बचपन की आदत है और ये बच्चे की बचपन की आदत है, सो डोंट वरी अबाउट. ओके, अब जानेंगे द्विजा के बेड के सारे फीचर्स. एग्जैक्टली ये बेड कहाँ से लिया था? बाय द वे, दिस वीडियो इज नॉट अ मार्केटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर बेड. इनफैक्ट मैंने अभी तक जिनके घर पे मैं आई हुई हूँ उनको अभी तक मैंने बेड का ब्रांड भी नहीं पूछा हुआ. ये वीडियो आपके लिए अवेयरनेस वीडियो है कि कौन से फीचर्स है जो आप लोग देख सकते हो. फिर भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर बेड के लिंक्स डाल दूंगी, जिस किसी को चाहिए आप लोग चेकआउट कर सकते हो. हाय फ्रेंड्स, माइक मेरे पास नहीं है, माइक मैंने शीतल को दिया हुआ है. शीतल द्विजा के पापा है. उन लोगों ने ऑनलाइन सर्च करके एक्चुअली ये वाला बेड द्विजा को उसके कजिन भाइयों ने गिफ्ट किया हुआ है. क्या मस्त चीज है पता है. तो इसके सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए शीतल एकदम बेस्ट इंसान है, तो उसने अभी मुझे बेड के फीचर्स एक्सप्लेन किए. तो अभी ये आप सब लोगों के लिए फीचर्स एक्सप्लेन करेगा. कैमरा हम लोग घुमाएंगे ताकि आप लोगों को इसके सारे फीचर्स एक्सप्लेन हो सके. बाय द वे, ये बेड लेना इज नॉट द टारगेट. आप जो भी बेड लो फीचर्स समझ लो और आपको जो फीचर्स चाहिए उस हिसाब से बेड खरीदो. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. रेडी? हेलो फ्रेंड्स, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस बेड एंड द फीचर्स ऑफ द बेड. इसका टेक्निकल नाम है प्ले पेन. आप गूगल पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी प्ले पेन, PLAYPEN प्ले पेन से सर्च कर सकते हो. आपको मल्टीपल ब्रांड्स के मिलेंगे. ये लवलैब ब्रांड का है. आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो इसकी लेंथ लगभग 4 फीट है और विड्थ 2 से 2.25 फीट है. इतना बड़ा बेड है, बट ये सिर्फ इतने बैग के अंदर आया था. आपको अटैच करना पड़ा या ये रेडी है? नहीं, ये मतलब आप हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपको इसको असेंबल करने में या डिसमेंटल करने में. नो स्क्रू, नो नट बोल्ट, किसी स्क्रू ड्राइवर या टूल्स की जरूरत नहीं. एवरीथिंग बाय हैंड. अभी मैं आपको इसके अलग अलग फीचर्स बताऊंगा. तो सबसे मेन, दिस इज अ बेड. उसके अंदर शीतल हम लोग को वो चीजें बता रहा है कि क्यों ये इन दोनों को बहुत पसंद आया. सो लेट्स अंडरस्टैंड. एक अगर हम ये एकदम जब बच्चा होता है इनिशियल लेट से 2-3 मंथ का, एक सबसे बड़ा होता है कि बच्चा जब पॉटी करता है तो उसका डायपर चेंज करना होता है. और इन केस मदर को बेंड होने में अगर प्रॉब्लम है या अगर सीजरियन हुआ है तो इतने नीचे बेड में झुक के करना डिफिकल्ट होगा. सो उनके लिए ये एक ट्रे है. आप बेबी को यहाँ सुला सकते हो, उसको एक सेफ्टी बेल्ट भी दिया हुआ है और आप इजीली यहाँ पे बेबी का डायपर चेंज कर सकते हो. ये ट्रे रिमूवेबल है, आप इसको एक इजीली रिमूव कर सकते हो और इसको फोल्ड करके रख भी सकते हो अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो. उसके बाद सेकेंड है ये एक स्टोरेज ट्रे. इसके अंदर आप देख सकते हो कि उसके हमने जो हमें इमीजिएटली लगती है चीज़ें, जैसे उसके डायपर्स हो गए, उसके हैंकीज हो गए, उसके सॉक्स हो गए और ये बाड़ूते, ये सारी चीज़ें उसकी यहीं पे है. ये बेड है, बेड की ये 2-स्टोरी बेड हम उसे बोल सकते हैं. ये 1st स्टोरी है जिसकी हाइट लगभग 1.5 फीट है, तो बच्चा इसके अंदर कंफर्टेबली सो सकता है और पेरेंट को हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा कि अभी बच्चा रोल ओवर कर रहा है तो बेड से गिर जाएगा या कुछ करना है. ये काफ़ी स्टर्डी है और बच्चा कितना भी इसके अंदर रोल करे, कुछ भी करे, इसके बाहर नहीं आ पाएगा. तो हम एकदम टेंशन रिलैक्स इसके रह सकते कि बच्चा सेफ है. ये रिमूवेबल है, जैसे मैंने बोला कि ये 2-स्टोरी है, तो ये आप यहाँ पे हुक्स देख सकते हो. ये आपको सिर्फ पुल करना है, ये पूरा पार्टीशन निकल जाएगा. उसके बाद में ये पूरा एक सिंगल पार्टीशन हो जाएगा जिसकी हाइट लगभग 2 से 2.5 फीट है. तो एक बार बच्चा जब इंडिपेंडेंटली बैठ पाएगा, आप बच्चे को ये पार्टीशन निकाल के नीचे डाल दीजिए, उसके टॉयज उसके अंदर डाल दीजिए, बच्चा बहुत मस्त खेलेगा और आप आपका काम कर सकते हो किचन में विदाउट एनी फियर. इसको सामने से एक चेन भी है जो आप देख सकते हो, यहाँ से एक दरवाज़ा है, यहाँ से बच्चा इंडिपेंडेंटली अंदर जा सकता है, आ सकता है. जैसे कि मैंने बताया ये पार्टीशन निकल जाएगा, ये पूरा एक सिंगल पीस हो जाएगा. ये नीचे से 1st स्टोरी से मतलब. यस, मेन फीचर इसका, इट हैज मॉस्किटो नेट एज वेल. तो अगर आपके घर में लेट से रात को मच्छर्स वगैरह है तो आप ये मॉस्किटो नेट लगा सकते हो. योर बेबी विल स्लिप पीसफुली. और ये जो मैंने खरीदा है लवलैब ब्रांड का, इसमें 3 अलग अलग वेरियंट आते हैं. ये उसमें का सबसे टॉप वेरियंट है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स प्लस एडिशनल फीचर जो है ये रॉकिंग वाला,
जो आप ये वीडियो में देख रहे हो, जैसे अपना झूला जो होता है या पारना जो रॉक करता है, उस टाइप का ये रॉकिंग फीचर है। ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, इसमें कोई मोटर या कुछ नहीं है। लेकिन अगर रात को लेट से बेबी उठता है आपके बेड के बाजू में, तो आप हाथ स्ट्रेच करके इसको रॉक कर सकते हो, बेबी फिर से सो जाएगा। सेकेंड इसमें आता है वेरिएंट, एवरीथिंग सेम, उसके अंदर सिर्फ ये रॉकिंग वाला फीचर नहीं आता है, और जो मैंने पहले ट्रे दिखाया था डायपर चेंज ट्रे, वो नहीं आएगा। और थर्ड वाला जो आता है वो बहुत बेसिक आता है, उसके अंदर ये मिडल वाला पार्टीशन भी नहीं आता है, सिर्फ एक सिंगल आएगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको असेंबल करने और डिसेंबल करने में हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, काफ़ी छोटी जगह में ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो आप इसको कहीं पे भी आपके कार में लेके जा सकते हो, अगर आप 2 दिन के आउटिंग के लिए भी जा रहे हो तो यू कैन कैरी इट विथ यू। का बेड का लोड कैरिंग कैपेसिटी रफली 20 kgs है, तो बच्चा ऑलमोस्ट 4 साल का होने तक इसके अंदर रह सकता है। जैसे मैंने बताया था कि बच्चा जब एक बार खेलने लग जाएगा, तो आप बच्चे को ये पार्टीशन निकाल के नीचे डाल दीजिए, उसके टॉयज डाल दीजिए, बच्चा मस्त पकी खेलेगा। और ये बहुत लाइट वेटेड है, आप इसको आसानी से उठा के, और इसको व्हील्स भी दिए हैं नीचे, तो आप इसको आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो रात को आपने आपके बेडरूम में रख दिया, दोपहर को आपने किचन में ले लिया, बच्चों को डाल दिया, उसके टॉयज डाल दिए, बच्चा खेलेगा, मम्मा किचन में काम करेगी, और एट द सेम टाइम आपका ध्यान भी रहेगा, बच्चा घर के बाहर नहीं जाएगा, आपको उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, और बच्चा भी सेफली रहेगा उसके अंदर। ये मेरी डॉटर है द्विजा, इसके लिए हमने हमारे एंड से कुछ चेंजेस किए हैं बेड में। जैसे आप देख सकते हो ये 2 पिलोज हमने लगाए हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर वो पिलोज ना लगाए तो वो रोल करेगी, उसकी स्लिप डिस्टर्ब होगी। अगर ये मैं पिलो फॉर्मली लगा दूँ तो उसको रोल करने को जगह नहीं, शी विल स्लिप पीसफुली, इसके लिए हमने ये पिलोज लगाए हैं। ये 3 स्टार्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, रेड येलो और ब्लू, वो उसके साथ में ही आए हैं। ये जो टेडी बियर है ये हमने एडिशनली लगाया है, वो जब जगी होती है तो टेडी बियर के साथ खेलती है, उसके किक करती है, उसके साथ बातें भी करती है वो। थैंक यू सो मच शीतल। अमृता एक्चुअली आप लोग को दिखी नहीं है, वो द्विजा की मम्मा है जो शूटिंग ले रही थी जब ही हम लोग ये सब चीज़ें आप लोग को दिखा रहे थे। सो थैंक यू सो मच दैट दे अलाउड मी टू कम टू देयर हाउस एंड शो यू दिस वंडरफुल थिंग। आपको पता है शीतल ने क्या चीज़ बोला, कि ये जब भी पहले उनके भाई ने ऑर्डर किया, उनके दिमाग में आया क्यों लेते हो, क्यों इतने पैसे खर्चे करते हो, बिकॉज अल्टीमेटली ये 6,000 रुपीज़ का है। अगर आप ऑफर प्राइस में लेते हो तो 5,000-5,200 के आसपास आप लोग को जाएगा टॉप एंड मॉडल। लेकिन जब भी ये आया इनके घर में, इट वॉज वर्थ द होल थिंग। हम लोग इतना वीडियो कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो बच्चा कितना पीसफुली सोया हुआ। द बेस्ट पार्ट इज मदर एंड फादर बोथ आर पीसफुल। मैं घर में आई तभी मदर किचन में काम कर रही थी, पापा वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और बच्ची अंदर पीसफुली सोई हुई थी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इंश्योर करो बच्चा इंसान का बच्चा है, सो जाएगा, बहुत टेंशन मत लेना। और बहुत सारी माएँ मुझे बोलती है, शाना मेरे बच्चे का नींद ही नहीं हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन आया है। सच बात बोलूँ, माँ को टेंशन खुद के नींद का आता है, बच्चा खुद का नींद कवर कर लेता है, रात में नहीं हुआ तो दिन तो है ही। सो डोंट वरी, बच्चे की नींद को लेके ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखो, नॉन क्लटरी स्पेस, अ प्रॉपर सपोर्ट, बच्चा अगर टाई करके सोता है तो टाई, अ माइल्ड रॉकिंग इज ऑलवेज बेटर, और बच्चे को प्रीफरेबली इंडिपेंडेंटली सुलाओ। ये कौन से एज से आप लोग ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, राइट फ्रॉम आप लोग डिस्चार्ज होके घर पे आने के बाद। अगर आपको लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो फिर आप लोग एक 15-20 दिनों तक बच्चे को अपने साथ सुलाओ, ताकि आपका ब्रेस्ट फीडिंग का रूटीन सेट हो जाए। और अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स लेटर, जब भी आप लोगों का स्टिचेस हील्ड है, आप थोड़े कंफर्टेबल हो, तभी आप बच्चे को सेपरेटली सुलाना शुरू कर दो। वन मोर थिंग एंड द लास्ट थिंग, अगर द्विजा की मम्मा सोचने लग जाए अच्छा हुआ शॉर्टकट है, बाटली से दूध पिला दो, बच्चा पूरी रात इसमें सोएगा, तो ऐसा कुछ यूज़ मत करना। बाय द वे, द्विजा की मदर डजंट डू दैट एज अ शॉर्टकट, लॉन्गर स्लीप यहाँ पे होता है, फिर बच्चा फीड के लिए मम्मा पापा के पास जाता है, और फिर पापा के पास ही सोता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी आदत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी आदत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वे आई हैव सेड, अ पीसफुल पेरेंट्स विल ऑलवेज हैव अ पीसफुल चाइल्ड। बी कॉन्फिडेंट, टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। जो इंसान आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो द्विजा के पापा है, somebody who is very particular about things, who will ensure that things are in place. एक बार सिक्योरिटी का श्योरिटी हो गया, then they won't doubt. So be like that. Thank you so much. Have a great time and bye. ये लड़की किए क्या जा रही है।